प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान सेट 1 जुलाई 2022 पेपर हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और 11-12 जो हैं वो 2 अंक के हैं और 13 और 14 3 अंक के हैं। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पहला जो प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन है, अमाशय, मुख, क्षुधांतर, वृद्धांतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षुधांतर। क्षुधांतर के अंतर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। प्रश्न नंबर 2, किस वृक्ष की पत्तियाँ रेशम कीट भोजन के रूप में पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चों, सहतूत की पत्तियां, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है, प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो आपने जब पाठ पढ़ा तो उसमें डॉक्टरी और प्रयोगशाला थे। डॉक्टरी का 35 से 42 होता है और प्रयोगशाला का -10 से 110 होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पुदीना। तो आपने अमल और अक्षार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया था? हल्दी का। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। हमारे आवासीय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl। आगे है प्रश्न नंबर 6, ऊष्मा चालक पदार्थ का एक उदाहरण आपको देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख रखे हैं, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, आप लिख सकते हो और भी। दही का स्वाद खालिस्तान होता है, तो दही का स्वाद यहाँ पर कैसा है? खट्टा होता है, आप सभी को पता है। रेशम और ऊन खालिस्तान रेशे हैं, तो कौन से हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं। आगे है, दिए गए कथन सत्य था असत्य बताइए। तो यहाँ पर मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, तो ये भी सत्य है। आगे है प्रश्न नंबर 11, तो ऊष्मा चालक था ऊष्मा रोधी, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के आपको 2-2 उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये ऊष्मा चालक हैं। ऊष्मा रोधी लकड़ी, प्लास्टिक, वायु, ऊन, ये क्या हैं? ऊष्मा रोधी हैं। ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की 2 भारतीय नस्लें बताइए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी नस्लों के नाम लिखे हैं, मारवाड़ी, बाखरवाल, लोही, रामपुर, बुसायर, पाटनवाड़ी, नाली। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन कीजिए। हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ऊपर नीचे क्लोरोफिल के कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये समीकरण है इसकी। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में है लास्ट 14वां प्रश्न, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे भोजन का अवशोषण होता है तथा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेट। बहुत आसान था, 14 प्रश्न थे, 1 से 10 एक एक अंक के थे, 11-12 2-2 के और 13-14 3-3 अंक के थे, छोटे छोटे प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने अच्छे से हल किया होगा। धन्यवाद।